सो हे गाइस, अभी सूरज ढल चुका है, शाम भी हो रहा है और हमारे बिहार में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा नियम है कि शाम होते ही हम लोग को भुंजा चाहिए। भुंजा देखते के साथ पता नहीं अंदर में कुछ खलबली होता है। और भैया से अभी मिले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अभी मिलते के साथ ऐसा ऐसा बात किए ना, हम बोले कि नहीं, इनसे तो वीडियो बनाना बनता है इनके साथ, क्योंकि हम यही चाहते हैं, खाना और लोग हमको जहाँ बढ़िया मिलते हैं हम निकाल देते हैं कैमरा। क्या भैया, अभी हम लोग क्या क्या बात करते हैं पेटी के ऊपर, थोड़ा बताइए क्या क्या बात की है आप ही। देखिए यहाँ पे भुंजा चल गया भैया, बता दीजिए तो थोड़ा क्या क्या डाल दिया। वही पेट नहीं रहता, भेट नहीं होता आपसे, और क्या है ना, यही तो पेट का कमाल है। ये देख लो इस तरीके की कैची कैची भैया डाले हैं, इसमें चना है, बादाम है, मकई है, कम्प्लेक्स है, चावल है, है ना। ये सब जो देख रहे हो ना, ये जो आप लोग को लग रहा हो है कि ये बालू का है, पहले बालू का होता है, पहले ये लेकिन बालू, ये नमक है, लेकिन ये पूरा इतना बहुत ही बेहतरीन तरीका, नमक जल्दी गर्म हो जाता है ना भैया, और उसके बाद हल्का सा नमकीन टेस्ट भी देता होगा, इसी के कारण इसको यूज़ करते हैं हम लोग। वैसे भी शाम के समय में हम लोग इसको इसलिए ज़्यादा खाना प्रीफर करते हैं, पहले हमारे यहाँ शराब भी बिकता था तो इसको चखना के तौर पर लोग ज़्यादा खाते थे, तब अब उतना नहीं बिकता है। अब इसको खाते हैं वही लोग जो शौकिया रहते हैं, ये इसको मतलब बोल सकते हैं कि दांत का जबड़ा का एक्सरसाइज के लिए हम लोग ये खाते हैं। ये आ गया चटनी, चटनी क्या चीखा है भैया? इसमें मरचा है, लहसुन है, तेल है। अच्छा, बस मरचा लहसुन तेल मिला के एकदम इसको दे दिया जाता है। अब भैया को देख लो, पूरा गर्मी के बगल में रह के इस तरीका से पूरा भींगे हुए, लेकिन ये स्वादिष्ट चीज हम लोग के सामने पेश कर रहे हैं। सो गाइस, ये रहा हम लोग का मिर्चा, तब तक इसको हम, ये देखो ये है मिर्चा, इसको चटनी बोल सकते हो, इसको साइड में रख दिए हैं। और ये हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी देख रहे हो ना, अंदर ही से निकल के आया, और इसका आवाज़ सुन सकते हो, क्रिस्पी है, अलग लेवल पे। इसको पहले ये लीजिए, गर्म बहुत है, आहा नीचे भी गिर रहा है। उसके बाद मुंह में डालने के बाद उसके बाद ये जो फ्लेवर बढ़ेगा इसमें, आपको मिर्चा मिलेगा, लहसुन मिलेगा, आदि मिलेगा, तेल मिलेगा, और ये जो तीखापन देता है साथ में, ये बिना स्वाद का, बस इसमें हल्का सा नमक भी आपको पता चलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अलग लेवल पे ये लगता है, मज़ा आ गया सच में। ऐसे बहुत जगह देखो कि बस इसी को बस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भैया चिप्स वगैरह भी रखे हुए हैं इधर, जो हम लोग का भुंजा प्रॉपर बनता है, जैसे कि मिर्चा तेल वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के, इसको मिला के बढ़िया से तीखा स्पाइसी या चटपटा, जिस तरीका का आप बोलिएगा वो चीज़ आप यहाँ पे खा सकते हैं। अभी वैसे हम हैं कलेक्ट्री के पास, गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, भैया से विदा लिया जाए, और एक और लोग, एक और जुड़ गए हमारे साथ, आ जाइए इधर, आ जाइए, लाइट रहेगा ना, ये मिले, ये इनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और भैया हमारे इनसे तो और ज़्यादा बात हुआ, अलग ही लेवल पे चल रहा है, यहाँ पे माहौल पूरा बन गया। भुंजा यही बोले ना, बिहार में भुंजा वो इतना फेमस है ना कि भुंजा खाते खाते माहौल बन जाता है, वही चीज़। क्या भैया, तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी भी बोले थे, पीछे ही बोले थे, तो फिर से बोलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते रहिए। तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज़रूर बताना अगर कुछ ऐसा प्लेस हो पट्टा में जो हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर डालना। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय, बोल दीजिए, बाय बाय।